नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुचि आरती में। दोस्तों, मैं आज आपको पुष्पांजलि मंत्र बताने जा रहा हूँ। पुष्पांजलि, इस मंत्र से आप प्रतिदिन जो है ना माँ को पुष्पांजलि प्रदान कर सकते हैं। आप में से कई लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से अष्टमी के दिन पुष्पांजलि मंत्र पाठ करके सभी लोग माँ के सामने पुष्पांजलि देते हैं, उस तरीके से आप हमें भी मंत्र पाठ करके पुष्पांजलि बता दीजिए। तो दोस्तों, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे केवल अष्टमी के दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन ही जो है ना ये पुष्पांजलि प्रदान किए जाते हैं, और तीन बार पुष्पांजलि मंत्र के साथ पुष्प पत्र ये सारी चीज़ें माँ को अर्पण किए जाते हैं, और उसके बाद प्रणाम मंत्र यानी कि सर्व मंगल मांगली ये मंत्र जो है वो पाठ किए जाते हैं। प्रणाम मंत्र कहा जाता है इसे। तो मैं आपको पुष्पांजलि के दो मंत्र यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो है जिसे कामना की मंत्र कहा जाता है, यानी कि ज़्यादातर जो लोग कामना के कारण पूजा करते हैं, अर्थात कुछ मांगते हैं माँ से कि माँ हमें परीक्षा में ये फल दे दीजिए, या फिर हमें संतान नहीं हो रहा है, हमारी किसी समस्या चल रहा है, तो इस भावना के साथ जो लोग पुष्पांजलि प्रदान करते हैं यानी कामना के पुष्पांजलि जिसे काम्य कहा जाता है, उस काम्य पुष्पांजलि में एक मंत्र होता है, अर्थात उसे देने का एक विधान होता है और एक निष्काम पुष्पांजलि होता है। मैं मूल रूप से जो है काम्य पुष्पांजलि ही दिए जाते हैं क्योंकि ये गृह की पूजा है। निष्काम पुष्पांजलि भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग ये दोनों पुष्पांजलि कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। वैसे आप लोग एक काम कर सकते कि अगर तीन बार पुष्पांजलि आप लोग कर रहे हैं तो उसमें से दो बार जो है आप लोग काम्य, क्योंकि आप लोग गृही हैं, तो काम्य पुष्पांजलि मंत्र के साथ आप पुष्पांजलि प्रदान करें, और उसके बाद एक बार अर्थात तीन बार में जाकर जो आखिर बार होगा, तीन बार में एक दो के बाद जो तीन बार आप देंगे तब आप निष्काम मंत्र के साथ जो है उस समय आप माँ को पुष्पांजलि प्रदान करें और उसके बाद प्रणाम करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको उस मंत्र को बता देता हूँ। जैसे कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमः स्तुते, ये बोलना ही है आपको क्योंकि ये माँ के मूल मंत्र है। देवी पुराण पद्धति के अनुसार जो पूजा किए जाते हैं उसमें यही मूल मंत्र होता है। हर मंत्र में इस मंत्र का प्रयोग होता ही है। उसके साथ पुष्पांजलि मंत्र में बोला जाता है, अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमः स्तुते, ओं आयुर्देही यशो देही ज्ञं भगवती देहि मे, पुत्रां देहि धनं देहि सर्वान कामश्च देहि मे, एष शचंदन बिल्लपत्र पुष्पांजलि सायुध वाहन सपरिवार सहित श्री श्री भगवत दुर्गा देव्यै श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। मैं आपको फिर से कहता हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमः स्तुते, आयुर्देहि यशो देहि भग्यं भगवती देहि मे, पुत्रां देहि धनं देहि सर्वान कामश्च देहि मे, एष शचंदन बिल्लपत्र पुष्पांजलि सायुध वाहन सपरिवार सहित श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। इस तरह से जो है ना आपको काम्य पुष्पांजलि करना है, और उसके बाद जो है जो निष्काम पुष्पांजलि है उसमें आपको बोलना है दोस्तों। ये वैसे आपके पास अगर दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है ना उसमें ही आपको मिल जाएगा ये मंत्र जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो उसमें आपको बोलना है, ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमो, नम प्रकृत्य भद्रायै नियता प्रणतास्मताम, ओं रौद्रायै नम नित्यायै गौर्जै धात्रै नमो नम, ज्योत्स्नायै चिन्दरूपिण्यै सुखायै सततं नम, ओं कल्याण नै प्रणता विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नै धत्रे भृता लक्ष्मी सर्वान्यै ते नमो नमः। मैं फिर से एक बार कहता हूँ निष्काम पुष्पांजलि मंत्र, उसमें आपको बोलना है, ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमो प्रकृत्य भद्रायै नियता प्रणतास्मताम, ओं रुद्रायै नम नित्यायै गौर्जै धात्रै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चिन्दरूपिण्यै सुखायै सततं नमः, ओं कल्याण्यै प्रणता विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नै धत्रे भृता लक्ष्मी सर्वान्यै ते नमो नमः। पत्र पुष्प अक्षत रक्त चंदन लेकर जो सुगंधित यानी कि जो सफ़ेद या पीले चंदन लेकर माँ को आप पुष्पांजलि प्रदान करें। रक्त पुष्प यानी कि जैसे कमल के पुष्प हो गए, जो गुड़हल के पुष्प हो गए,
है वो साड़ी पुष्प जो है ना वो आप माँ को अवश्य निवेदन करिए पुष्पांजलि के समय। ये सारी चीज़ें आप निवेदन करने के बाद जो है आप माँ के सामने प्रणाम करें और उसके बाद आप कहें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमःस्तुते। सृष्टिरस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमःस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वश्यार्थी हरे देवी नारायणी नमःस्तुते। इस तरह से माँ को प्रणाम करें और इसी प्रकार से आपकी पुष्पांजलि संपूर्ण होती है। वैसे कई लोग जो होते आरती के बाद पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, पर नियम के अनुसार जो है ना आरती के पहले ही पुष्पांजलि करना होता है और उसके बाद ही आरती होता है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करिएगा जब आप पूजा के पहले जब माँ को आप षोडश उपचार या पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे उसके बाद आप पुष्पांजलि प्रदान करें। आपके परिवार के सारी सदस्य भी अगर पुष्पांजलि माँ को प्रदान करना चाहते उसके लिए अलग से उन्हें संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। अर्थात कई लोग कहते हैं ना कि संकल्प जो नहीं ले सकते वो पुष्पांजलि कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुष्पांजलि माँ को हर कोई प्रदान कर सकता है। तो पुष्पांजलि प्रदान करिए माँ को, माँ के प्रणाम मंत्र के साथ माँ को प्रणाम करिए, उसके बाद आप आरती के विधि में जाइए। आरती के विधि में यहाँ पर मैं आपको कह देता हूँ, आरती शुरू करने से पहले भी जो आरती कर रहे हैं वो माँ को पुष्प अर्घ जो है ना वो प्रदान करते हैं, अर्थात तीन बार पुष्प निवेदन करते हैं। उसे भी पुष्पांजलि कहा जाता है एक प्रकार से, पर उसे एक असल में जो है ना वो पुष्प अर्घ होता है। तो पुष्पांजलि अलग होगा और आरती के पहले जो मैंने अपने धूप आरती के वीडियो में भी आपको बताया कि तीन बार जो पुष्प अर्पण है वो अलग होगा। आपने अगर पुष्पांजलि की है तो फिर भी आपको आरती के समय वो पुष्प तीन बार अर्पित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको आरती धूप दीप से करना चाहिए दोस्तों। तो ये विषय आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें जो है मैंने पुष्पांजलि मंत्र के बारे में बताया, जो कि सकाम पुष्पांजलि यानी काम्य पुष्पांजलि मंत्र भी मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो निष्काम पुष्पांजलि मंत्र है वो भी मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो प्रणिपात यानी कि प्रणाम मंत्र है माँ की वो भी मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इस वीडियो के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या फिर कुछ आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।